हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। FYBAF के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनका क्या पोर्शन है, उसकी सीरीज चल रही है। ऑलरेडी हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका पहला फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो भी आप सीखेंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप सीखने वाले हैं। 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा है कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन, तीसरा है लीवरेजेस, चौथा है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग और पांचवा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 5 मेन चैप्टर्स हैं जिनके अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको क्या सीखने मिलेगा। जो फर्स्ट चैप्टर होगा ये पूरा थियोरी बेस्ड है। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट वर्सेस वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है ये किस बारे में है उसमें आइडिया मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके सेकेंड सब्जेक्ट की, कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन कहाँ यूज करना है ये भी आपको इस चैप्टर के अंदर सिखाया जाएगा। टाइम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बॉन्ड रिटर्न्स, एन्यूटी। मैं जानता हूँ ये सारे टर्म्स आपके लिए नए हैं, मगर डरने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के ऊपर मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, बिकॉज बैफ से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं मैं बनाता रहता हूँ, आपको वो सारे वीडियोज इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो थर्ड चैप्टर है वो कौन सा है। वो है आपका लीवरेज। लीवरेज के अंदर आप क्या सीखने वाले हैं, लीवरेज के अंदर आपको सीखने को मिलने वाला है EBIT और EPS एनालिसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ लीवरेजेस क्या होते हैं, 3 टाइप के लीवरेजेस हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंपोजिट। ये कहाँ यूज करना है ये भी आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर बता दिया जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो के है कि इसके आपको कहाँ यूज करना है, ये लीवरेजेस कहाँ यूज में आते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके अगले चैप्टर की, जो कि है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। अब फाइनेंस करना है तो कहाँ से फाइनेंस करना है और कितना फाइनेंस करना है और कैसे फाइनेंस करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले। अगर सपोज मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, तो मैं वो जो पैसा मैं उठा रहा हूँ उसे लॉन्ग टर्म के लिए लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15-20 साल के लिए लोन लूँ, 5 साल के लिए लोन लूँ, 1 साल के लिए लोन लूँ, तो जो लोन मैं ले रहा हूँ वो किस तरीके से लेना है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, मीडियम टर्म होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब कुछ इस चैप्टर में आपको सीखने मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके आखिरी चैप्टर की, जो क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो भी पैसा आप उठा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपने एक बैंक से लोन लिया, सपोज एक बैंक है बैंक ए, ये जो बैंक है इससे लोन लेंगे तो हमको 10% इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और एक और एक है बैंक बी, अब ये जो बैंक बी है इससे अगर लोन लेंगे तो 9% चुकाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए तो आप डेफिनेटली बोलेंगे बैंक बी ज़्यादा बेटर है। क्यों? बिकॉज उसका जो कॉस्ट है वो कम है। कॉस्ट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे एक में 10%, एक में 9% है। तो इसी तरीके से कंपनी भी जब कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन, तो जब वो पैसा लगाता है उस पैसे की एक कॉस्ट होती है, तो उस कॉस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए वो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।